वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जिनेन्द्र, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवानी और आप सभी का शिवानी के जहान में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान भी इंसान बनकर पहले आए ताकि फिर से भगवान बन सके। यदि हम चाहते हैं अगले कुछ सालों में खुद को वहाँ पर देखना जहाँ पर हम सच में खुद को देखना चाहते हैं, तो हमें आज से बल्कि अभी से खुद को तराशना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सफल होने के लिए तपना तो पड़ेगा। कहते हैं कि काम वही करना चाहिए जिसमें खुशी हो, जिसमें मज़ा आए, पर सफल होने के लिए तपना तो पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफ़र में। दोस्तों, ज़िंदगी में यदि बेहद ऊंचाई पर हमें पहुंचना है तो हमारी समस्याएं उतनी ही बड़ी होंगी, क्योंकि उन्हीं बड़ी समस्याओं को सुलझा सुलझा कर एक दिन हम बड़े इंसान बन जाते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। यदि हम सिर्फ सड़क पर चलना चाहते हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि हम मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो हमारे सामने कई बातें आएंगी, कई मुद्दे आएंगे जिनमें हमें जूझना होगा। यदि परीक्षा में हमें सिर्फ पास होना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमें सबसे अधिक और सबसे अच्छे अंक लाने हैं तो तकलीफ तो होगी। वनडे क्रिकेट में यदि खिलाड़ी को 150-200 रनों का पीछा करना हो तो इस रन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि 400 रनों का पीछा करना हो तो उसके पसीने तो छूटेंगे ही, जूझना तो होगा ही। ठीक इसी तरह से यदि हमें सिर्फ जिंदा रहना है, यदि अपना सिर्फ वजूद बनाए रखना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया में लोग यही कर रहे हैं। लेकिन यदि खुद का अस्तित्व बनाना है, खुद को इस दुनिया में परिभाषित करना है, तो आह तो निकलेगी, तकलीफ तो होगी। दोस्तों, आसान रास्ते नहीं मुश्किल रास्ते की तलाश करना, खुद को चुनौती देना, इसी में हम खुद को रास्ते हैं। जहाँ भाव विपरीत है वही नाविक की असली परीक्षा होती है। और जयशंकर प्रसाद जी की कविता की बड़ी ही प्रेरणादायक पंक्तियाँ हैं। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मानव जीवन संघर्षों से भरा होता है। हम जितना लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, प्रतिदिन हमारे संघर्ष बढ़ते जाते हैं। पहले समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं और प्रतिदिन एक नई शुरुआत करते हैं तो संघर्ष भी बढ़ते रहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, सपने जितने बड़े होंगे, जितनी ऊंची उड़ान बाद में मिलती है, उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, लोगों को सिर्फ सफलता दिखती है, उसके पीछे लोगों ने कितना संघर्ष किया होगा ये कोई नहीं देखता। तो जैसे कि नवरात्रि के खूबसूरत दिन चल रहे हैं और नवरात्रि में कितनी चहल पहल रहती है ना, मंदिरों में कहीं भी निकलो हर जगह माता रानी के जयकारे, माता रानी के गाने हर जगह बज रहे हैं, कितनी चहल पहल रहती है। ऐसा लगता है कि ये दिन ख़त्म ही ना हो, ये 9 दिन और पता नहीं ये कैसे निकल जाते हैं, बहुत झटपट से निकल जाते हैं।
और मैं भी इस समय काफ़ी व्यस्त रहती हूँ, क्योंकि सुबह मंदिर जाते हैं और आरती भी गानी होती है हमें, शाम को भी जाते हैं मंदिर में, और हम लोग चार चार पाँच पाँच घंटे पूरे बांदा की देवी जहाँ जहाँ पहुँच पाते हैं दर्शन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये जो नवरात्रि के दिन होते हैं ना, यदि देखा जाए तो ये ना लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी लाते हैं। मतलब जैसे नवरात्रि आने वाली होती है ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये जो भगवान को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, उनके मन में ये चीज़ आ जाती है कि चलो अब नवरात्रि आ रही है, सब कुछ अच्छा होगा, माता रानी सब ठीक कर देंगी। और ऐसा होता भी है, लोग पूरे तन मन धन से पूजा अर्चना करते हैं, जिसकी जितनी हैसियत है, जिसकी जितनी औकात है, सब अपनी हैसियत के हिसाब से, सब अपने मन भाव श्रद्धा के हिसाब से माता रानी की पूजा करते हैं। और ये 9 दिन कितना खूबसूरत लगता है, मुझे नवरात्रि के दिन बहुत पसंद है, और ख़ास करके ये वाली नवरात्रि। ऐसा नहीं है कि वो वाली नवरात्रि नहीं पसंद है, चैत्र वाली वो भी है, लेकिन इसमें क्या है कि माता रानी की स्थापना होती है तो चहल पहल कुछ ज़्यादा रहती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये दिन जितने ही खूबसूरत होते हैं, जितनी ही रौनक रहती है, उतने ही बहुत जल्दी से निकल जाते हैं, और 9 दिन तो हमारे कैसे निकल गए समझ नहीं आया। और ऐसा पहली बार हुआ है कि नवरात्रि में हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं दर्शन करने जाते थे। और हमारे पास ही में यहाँ पे एक देवी जी थी, तो हम लोग वहाँ डेली सुबह 8 बजे और रात में 8 बजे डेली आरती करने जाते थे। हम लोग आरती गाते थे, बड़ा अच्छा लगता था आरती गाने का सौभाग्य हमें मिला। तो बस हमारे 9 दिन कुछ इसी तरह से गुजर गए। सुबह जल्दी उठना कि माता रानी की आरती गाने जाना है, पूजा करनी है टाइम से, तो नहा धो लें, सुबह नहा धो के तैयार हो के जल्दी से फटाफट से गए, और पूजा पाठ करके जब वापस आए तो थोड़ी दूर जाना पड़ता, थक जाते थे, फिर दोपहर में थोड़ा आराम कर लिए और थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर ली, और इसके बाद फिर से वही कि फिर 7 बजने वाले हैं, आरती स्टार्ट होने वाली है, टाइम से जाना है, आरती गानी है, और फिर वापस आते थे हम लोग। 11 बज जाता था, कभी कभी 12 भी बज गए थे 1-2 दिन, और बस इसी तरह से हमारे 9 दिन फटाफट से निकल गए, समझ ही नहीं आया। मैं सोचा करती हूँ कि नवरात्रि के दिन निकले ही ना, मतलब गुजरे ही ना, ठहर जाएँ, बट वो बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं। और फिर वो दिन आता है जो सबके लिए बहुत ज़्यादा दुख वाला होता है, माता रानी के विसर्जन का दिन। लगता है कि अभी तो माता रानी आई थी और अब जाने का टाइम हो गया, बहुत रोना आता है उनका विसर्जन देख के, जब देखते हैं कि माता रानी सब पूरा हर जगह सोना करके जा रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, समय को गुजरने में समय नहीं लगता, समय किस तरह से व्यतीत हो जाता है ना, 1 साल यूँ ही बीत जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। नवरात्रि में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हमारा जो चैलेंज था उसको कंप्लीट करेंगे, और जो मैंने टारगेट बनाया था कि मुझे डेली क्या क्या पढ़ना होता है, वो चीज़ें भी अब मैं कंटिन्यू करूँगी। और आज मैंने 2 टारगेट पूरे कर लिए हैं, एनसीईआरटी का 1 चैप्टर मैंने पहले कंप्लीट कर लिया था, और मूल बुद्धि की क्लास भी मैंने पूरी कर ली है, और बाकी का जो बचा हुआ है उसको भी हम करेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो अच्छे से करनी है। ये त्यौहार बाकी चीज़ें आते जाते रहेंगे, अब देखो दीपावली आ रही है, अब दीपावली में भी कुछ दिन ऐसा होगा कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाती कितना भी करूँ, क्योंकि त्यौहार लगा करता है साल भर का त्यौहार है, अच्छे से मना लेते हैं, पढ़ाई का टेंशन स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा। तो बस इसीलिए दीपावली में अभी 15 दिन का टाइम है, तो हम तब तक अपनी अच्छे से कुछ टारगेट कम्प्लीट कर, तो इसीलिए दीपावली आने तक जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, ताकि खुशी से त्यौहार को मना सकें। और मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।